क्वालिटी है तो गाइज काफ़ी ज़्यादा हैवी, काफ़ी ज़्यादा ये हैवी। यहाँ पे आपको यहाँ पे बर्नर आपको मिलने वाला है। इसका जो पैन सपोर्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे थिकनेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ ऑनलाइन से भी आपको यहाँ पे कम रेट में मैं यहाँ पे आपको मैं दे दूंगा अगर आप मेरे शॉप पे आते हैं। और यहाँ गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे। तो गाइज आज का एक नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज का भी जो वीडियो है, जो व्लॉग है, वो चूल्हे के रिलेटेड यहाँ पे आने वाला है। और गाइज मैं यहाँ पे काफ़ी पुराना जो गैस स्टोव है, जो कि काफ़ी पुराना जो ब्रांड है, वो मैं लेके आया हूँ। तो क्या है, शायद आपने थंबनेल देख के शायद आपने जाना होगा कि क्या किसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज जो टॉपिक है जो ग्लास टॉप है, तो गाइज मैं यहाँ पे आज ग्लास टॉप के बारे में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। उसका क्या फीचर है, क्या कितना रेट है, कितना क्या वारंटी है, कौन सा ब्रांड है, उस सब में यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो एक एक करके मैं यहाँ पे हर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँगा। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो मैंने एक और मैंने ब्रांड बताया था ब्लू लाइन का, और आज का जो ब्रांड है वो है सन फ्लेम, जो एक काफ़ी पुराना ये कंपनी है, काफ़ी पुराना ये गैस के मामले में, गैस चूल्हे के मामले में ये आपका स्टोव है। तो गाइज उसके बारे में आपको दिखाता हूँ क्या उनका अनबॉक्सिंग है, किस तरह का उसका बॉक्स का पैकेट वगैरह जो है सब मैं आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइज वीडियो को आप पूरा तो गाइज देख सकते हैं। ये रहा आपका सनफ्लेम का ग्लास टॉप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सनफ्लेम 3 बर्नर ग्लास टॉप। और गाइज यहाँ पे सबसे स्पेशल गाइज ये 2 साल का वारंटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये गाइज ये मेड इन इंडिया है। तो गाइज कोई बाहर का कोई कंपनी नहीं है, ये मेड इन इंडिया है, ये इंडियन कंपनी है। तो आप बिलीव आराम से आप कर सकते हैं। प्लस ये जो ब्रांड है, ये जो आपका सनफ्लेम का जो नाम है वो काफ़ी पुराना नाम है। तो गाइज़ इसके बारे में ज़्यादा मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं कि यह किस तरह का ब्रांड है और ये किस तरह का परफॉर्म करेगा। तो गाइज़ ये काफ़ी पुराना है, बहुत साल ये पुराना है, क्योंकि पहले का जो चूल्हा आता था, पहले का जो गैस स्टोव आता था, तो ज़्यादातर सनफ्लेम, सूर्या सनफ्लेम, ज़्यादातर तो गाइज़ सनफ्लेम ही नाम का यहाँ पे आता था। और लोग अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी जो रहता है, चाहे वो आप स्टेनलेस स्टील मिले, चाहे वो ग्लास टॉप मिले, या कोई दूसरे कोई प्रोडक्ट मिले, इंडक्शन वगैरह, फ़ैन वगैरह, मतलब सनफ्लेम का जितना जो ब्रांड, जितना जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मैं यहाँ पे गैस स्टोव मैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो कि 3 बर्नर है। तो क्या इसे मैं खोल के मैं आपको दिखाता हूँ तो किस तरह का है, जो कि देख सकते हैं। जस्ट अभी मैंने इसे ओपन में किया हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा आपका फुल्ली पैक। तो गाइस ये रहा आपका फुल्ली पैक यहाँ पे ब्लैक में 3 बर्नर। तो गाइस इसे मैं ओपन करके मैं आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि किस तरह का इसका लुक्स है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो किस तरह से। तो गाइस एक एक करके मैं यहाँ पे हर एक चीज़ में आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा, मैंने इसे अनबॉक्स में यहाँ पर मैं कर दिया। तो गाइस ये देख सकते हैं फुल्ली यहाँ पर ब्लैक यहाँ पर आपको मिलेगा। और गाइज ये रहा आपका बर्नर, तो इसे मैं इसका मैं कवर में हटाता हूँ, किस तरह का यहाँ पे बर्नर यहाँ पे मिलने वाला, जो गैस जो बर्नर रहता है उसका जो क्वालिटी है, उसका जो बिल्ड क्वालिटी है। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा हैवी, काफ़ी ज़्यादा ये हैवी यहाँ पे आपको यहाँ पे बर्नर आपको मिलने वाला है। और गाइज देख सकते हैं कि आप इसका यहाँ पर सनफ्लेम, आप यहाँ पर ब्रांड का नेम आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं ये कौन सा है सनफ्लेम। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस ISI, तो इस पर तो कोई भी जब किसी पे जब ISI जब लग जाता है, तो गाइज आप देख सकते हैं कि आप इस पर ट्रस्ट आप कर सकते हैं। और देख सकते हैं जो यहाँ पे मॉडल है वो क्राउन के नाम से है। और इसका मैं आपको हर एक चीज़ पहले मैं यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट में आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या इसमें स्पेशलिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो गाइज सबसे फर्स्ट में इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम लोग कोई ग्लास टॉप लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कि ग्लास हमारा ब्रेकेबल होना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो आपका जो ग्लास है, इसका जो आपका जो मोटाई है वो 8 mm यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरा जो ग्लास का जो मोटाई रहे, थिकनेस रहे, वो कम से कम 8 mm होना चाहिए, तब जाके वो टफन जो ग्लास है, तब जाके वो काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत यहाँ पे होता है। और गाइस सेकंड में आप देख सकते हैं कि नीचे में आपका स्टील का यहाँ पे फ्रेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे कि बेनिफिट ये है कि यहाँ पे नीचे में हमको जंग लगने का कोई यहाँ पे कारण नहीं है। यहाँ पे फुल्ली आपको स्टेनलेस स्टील आपको यहाँ पे मिलेगा। तो गाइस सेकंड में ये आपको हो गया कि आपका यहाँ पे स्टेनलेस स्टील आपको मिल जा रहा है फ्रेम में। और थर्ड में गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो
इसका जो गैस जो बर्नर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पे, तीनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस इसका जो वेट है, वेट काफ़ी ज़्यादा ये आपको हैवी मिलेगा। और थर्ड में था गाइस इसका जो पैन सपोर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे थिकनेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और गाइस काफ़ी ज़्यादा हैवी यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और गाइस आप यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सावधानियाँ यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, जो कि आपको हर एक जितना भी अगर आप एक महंगा चूल्हा ग्लास टॉप में बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह का मिल जाएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है भट्टी तंदूरी का जो बर्तन होता है वो इस पर यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वो क्या होता है ना कि बर्नर को पूरी तरह से इसको ढंक देता है गोल, जिससे क्या उसका जो भाप रहता है, उसका जो वेपर रहता है वो नीचे की तरफ फेंक देता है, जिससे कि आपका ग्लास, ये जो टफन ग्लास है वो ख़राब होने का चांस रहता है। चाहे आप ये कितना महंगा भी कोई भी कंपनी में आप लें, तो इस तरह का जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो गाइस अब इसका मैं बिल्ड क्वालिटी में और मैं यहाँ पे कुछ कुछ मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइड में यहाँ पे पैप का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे लगा हुआ, और इसका जो पीछे में पलट के मैं आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका पीछे का सीन रहा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सीन है। कोई ज़्यादा आपको यहाँ पे जो रहता है जो फुल्ली आपको यहाँ पे पैप कनेक्शन जो इस तरह का जो पैप रहता है वो सब में रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिंपल बनाया हुआ है, जिससे कोई ज़्यादा परेशानी यहाँ पे ना हो। जैसा ही गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो नोब वगैरह काफ़ी कॉस्टली यहाँ पे जो कॉर्क है वो यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि ब्रांडिंग ऐसा है जो कि बिल्कुल केयरफुल होता है, मतलब कि अगर आप इसे यूज़ करते तो किसी तरह का यहाँ पे दुर्घटना यहाँ पे नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छे कंपनी है, काफ़ी हैवी ब्रांड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए कितने यहाँ पे लेयर बाय लेयर यहाँ पे ये लगे हुए हैं आपका, तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे ये आपके लगे हुए हैं चैनल, जिससे कि जो कितनों भी अगर एक भारी बर्तन आप चढ़ा दें तो किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और आप इसका मिक्सिंग ट्यूब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल्ली आपको यहाँ पे एल्युमिनियम का मिलेगा, जिससे कि जंग लगने का जो टेंशन रहेगा वो गाइज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसका ओवरऑल इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो लेग है, इसका जो गोरी है, ये थोड़ा सा प्लास्टिक मिक्स है। वो ये कारण हो सकता है कि जो रबर का होता है वो थोड़ा सा कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद ये सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनी क्या किया कि यहाँ पे इसको प्लास्टिक में इसको चेंज यहाँ पे कर दे, मतलब इसका रबर एंड प्लास्टिक दोनों मिक्स है। तो गाइज ये आपका ख़राब होने का चांस यहाँ पर कभी नहीं ये आपका रहेगा। तो और इसका देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी, स्टील का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओवरऑल इसका क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा। आप यहाँ पे इसका जो ग्लास है, आप उसका लाइट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे लाइट यहाँ पे हुआ है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी हैवी यहाँ पे लग रहा है। और गाइस अगर अभी मैं इसका साइज़ की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कि तीन बड़ा बड़ा बर्तन यहाँ से आपको आराम से यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे कर जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे टकराने का, बर्तन को टकराने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, बहुत सारे चूल्हे में यहाँ पे कंप्लेन रहता है कि हाँ अगर थर्ड बर्नर है तो काफ़ी छोटा रहेगा, तो मुझे बर्तन टकराने का यहाँ पे डर रहेगा। तो गाइस इसमें आपको कभी ऐसा यहाँ पे आपको लगेगा नहीं, फील नहीं होगा कि बर्तन आपका टकरा रहा है। तो गाइस काफ़ी बेहतर आपको हैवी आपको स्पेस पे मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो गाइस ये काफ़ी चूल्हा काफ़ी ब्रांडेड है, यहाँ पे आपको आप यहाँ पे आराम से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको दाम पे आपको मिल जाएगा। और मेरा ये है कि जितना अगर आपको ऑनलाइन दिखाएगा, जितना जो होता है कि यहाँ ऑनलाइन सस्ता मिलता है, जितना कि ऑनलाइन वहाँ पे दिखाएगा, तो गाइस उससे मैं यहाँ पे आपको कम दाम में ही, ऑनलाइन से भी आपको यहाँ पे कम रेट में मैं यहाँ पे आपको मैं दे दूँगा। अगर आप मेरे शॉप पे आते हैं और यहाँ परचेस करते हैं तो मैं आपको गारंटी में देता हूँ कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन से भी कम रेट में आपको मैं उसे दे दूँगा। तो गाइस इस जो मुझे यहाँ बताना था, क्या क्या इसका फीचर है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी किस तरह का बनावटी है, तो गाइस वो सब मैंने आपको दिखा दिया हूँ, आगे पीछे सब मैंने आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने आपको दिखा दिया हूँ, और क्या क्या इसका फीचर है, क्या क्या इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। तो
इसका जो जो यहाँ पे फीचर था, जितना भी इसका जो बिल्ड क्वालिटी था, वो सब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ, और किस तरह का इसका रेट वगैरह। और गाइस जितना अगर ऑनलाइन आपको शो यहाँ पे करता ऑनलाइन, ये सनफ्रेम, ये आपका मॉडल क्राउन मॉडल का अगर जितना भी अगर आप शो कर रहे ऑनलाइन, तो गाइस उससे भी सस्ता मैं यहाँ पे आपको मैं दे दूंगा अगर आप मेरे शॉप पे आते हैं तो। क्योंकि मैं और जो गाइस मैं जो शॉप का जो एड्रेस है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहां से आके ले सकते हैं। अगर कोई लोकल से, अगर कोई पटना से देख रहे हैं, पटना दानापुर से अगर देख रहे हैं, तो आप मेरे शॉप पे आके ले सकते हैं काफ़ी कम रेट में। जितना भी जो जितना भी हर एक ब्रांडेड जो स्टोव रहता है, वो सब हमारे स्टोव में यहां पे आपको मिल जाएगा, जो ये काफ़ी कम रेट में किसी दूसरे दुकान से या किसी दूसरे मॉल से या आप ऑनलाइन आप सर्च आप कर सकते हो, उससे भी सस्ता मेरे पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइज इस वीडियो मुझे यही बताना था कि क्या कि कौन सा स्टोव है और कितना रेट में आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप पे इसे आप सर्च कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और जो जो मुझे यहाँ पे दिखाना था वो सब मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। तो गाइज इस वीडियो में इतना है। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह का जो ब्लॉग है, इस तरह का जो वीडियो है, वो आपको मिलता रहेगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।